हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चुकंदर की रेसिपी लेकर आई हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे 250 ग्राम चुकंदर लिए हैं, जिसे मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया था। इसका छिलका उतार कर हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैं इसे कट करने के बाद ग्राइंड करूंगी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और जैसे कि बच्चे चुकंदर खाने से बचते हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है तो वो खाते नहीं हैं, तो आप इस तरीके से रेसिपी बना सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब चुकंदर को हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और इसे हम पका लेंगे। चुकंदर को हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब जब तक चुकंदर का जो पानी है वह बिल्कुल सूख ना जाए, तब तक हमें इसे पका लेना है। मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक पकाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। आप देख सकते हैं चुकंदर का सारा पानी सोख हो गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी मैंने आधी कटोरी से भी कम चीनी ली है और थोड़ी सी मैं इसमें बचा ही दूंगी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही आप चीनी डालेंगे तो चीनी अपनी चाशनी छोड़ना शुरू कर देगी। इसे हम चीनी डालने के बाद 2 मिनट और पका लेंगे। मैंने इसे कम बनाया है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही ब्रेड के साथ खाऊंगी। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। यह कम से कम 1 हफ्ते तक ऐसे ही चल जाएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दें, उससे क्या होगा कि यह काफ़ी टाइम तक चल जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये हमारा हेल्दी जैम बनकर तैयार है। आप इसमें रोटी में, ब्रेड में या किसी के साथ भी आप जैम को खा सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव प्रियास किचन पर शेयर करें। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।